हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन सो हाउ आर यू ऑल गाइज डूइंग ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर ओके okay, तो बेसिक लेक्चर होने वाला है यहाँ पर मैंने सब चीज़ लिखा हुआ है तो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग इस वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो येस गाइज तो मैं फ़र्स्ट पहले ही मैं आपके लिए लेक्चर नंबर ज़ीरो क्यों लेकर आई हूँ क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जो बेसिक है बेसिक जो है वो अगर नहीं बताया तो फिर आप लोगों के लिए चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि फिर मैं एक, एक काम पता है मैं क्यों कर रही हूँ आप लोगों के, के लिए लैक्शन नंबर जीरो क्यों लेकर आया मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हर चैप्टर में तो हम लोग क्या क्या करेंगे हम लोग हर प्रैक्टिस सेट में कौन सी कौन सी चीज़ें देखेंगे तो ताकि आप लोगों के लिए हर एक चीज़ न्यू न्यू ना लगे वैसे तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को वापस से रिविजन हो जाए बट जान बुझ के मैंने लेक्चर नंबर जीरो बनाया है बेसिक लेक्चर बनाया है ताकि आप लोगों को हर चीज़ से फैमिलियर हो जाओ आप लोग और लाइक येस हम मैंने पढ़ा था हाँ मुझे पढ़ा था और बाय द वे इसको करने के बाद आप लोग खुद से भी बुक थोड़ा सा सम क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना फिर तो वीडियो आ जाएगी ठीक है तो सॉरी थोड़ी सी वीडियो से थोड़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी कल मैंने वीडियो अपलोड किया था नहीं आज किया था वीडियो अब कल परसों वीडियो अपलोड हो जाएगा तो जो लोग अभी देख रहे हैं जिस दिन मैंने अपलोड की थी उनको ये सब समझ में आएगा ओके स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग समझने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें फॉर्मूले सबसे पहले देखो मैं ये वाली वीडियो की बात कर रही हूँ ठीक है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला सब फॉर्मूला पढ़ेंगे जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं हम लोग सब कुछ वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग कोई चीज़ ना रट्टा पट्टा नहीं लगाने वाले हर एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से डिराइव हुई है उसको क्या बोलते हैं और लाइक क्या क्या नहीं बोलते कैसे निकालते हैं तो हर चीज़ कॉन्सेपच्चुअल हम लोग समझने वाले हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई ये एरेथमेटिक प्रोग्रेशन जो है जो एरेथमेटिक प्रोग्रेशन है वो है क्या ठीक है कितने सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि चैप्टर का नाम तो आ गया भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेकिन ये है क्या तो ये बताने के लिए ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी डाल दिया है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है द वे इसको शॉर्ट फॉर्म से हम लोग बोलते हैं ए पी ठीक है तो इसको शॉर्ट फॉर्म से हम लोग क्या बोलते हैं ए पॉइंट पी पी मैंने इतना ख़राब तरीके से क्यों बनाया है पी ठीक है तो ए पी बोलते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉट इज डी डी वॉट इज डी मतलब पता है क्या तो ये देखो डी क्या होता है वॉट इज़ डी तो डी क्या डिफरेंस है डिफरेंस डी का मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है तो ये डी का मतलब ही होता है डिफरेंस ठीक है तो ये क्या डी का मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है तो वॉट इज डी ये सब हम लोग पढ़ेंगे यार अभी पढ़ेंगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कोई टेंशन की बात नहीं है हर एक चीज़ पढ़ेंगे और कुछ भी आपके लिए नया नहीं होगा ठीक है मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊँगी तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा ठीक है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए क्या है ए क्या है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ठीक है ये तो आता है ना तो लेकिन वॉट इज़ ए एक चीज़ होगा ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एरेथमेटिक प्रोग्रेशन अभी कैसे क्या बोले हो नहीं समझ में आया बताऊँगी वॉट इज़ टी वन टी टू हम लोग ये पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड ओके ठीक है ओके okay, तो मैंने आप हाँ लोगों के लिए एक एरेथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक अलग से लिखा है पहले आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो लिख लो लेना है तो ले लो और बुक में प्लीज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज लिख लेना ठीक है लिख लोगे ना ठीक है अच्छे बच्चे हो ना लिख लोगे तो देखो एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी इज़ अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ कॉन्स्टेंट डिफरेंस डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था डी डिफरेंस होता है डी इन विच द डिफरेंस इज कॉन्सटेंट अब क्या ट मतलब सेम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है constant, constant का मतलब होता है सेम ठीक है तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है सेम होता है तो यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं वापस से देखो द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द डी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम ठीक है तो अब देखते हैं हम लोग ना एक एग्जांपल के साथ देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास कुछ कुछ सिर्फ नंबर्स है ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सीक्वेंस है कुछ सीकवेंस यहाँ पर मेरे पास तो यहाँ पर मेरे पास सीक्वेंस है एक ठीक है तो देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स है टू फोर सिक्स एट यहाँ पर डॉट 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 क्योंकि देखो नंबर्स तो इन्फाइनइट होते हैं ना तो यहाँ पर डॉट 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 भी बनाना है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है टू फोर सिक्स एट देर आर दे आर रिपीटिंग आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज टू देट मीन्स द अबर नंबर इज़ ए पी मतलब एरथमेटिक प्रोडक्शन प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन एरेथमेटिक प्रोपोगेशन ठीक है अब देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर दे आर रिपीटिंग आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल दे आर रिपीटिंग देखो टू टू के बाद मैंने लिख दिया फोर टू फोर सिक्स अगर मैं सेवन लिखती ना तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि देखो पहले तो मैंने लिखा देखो यहाँ पर ये क्या है ना ये देखो इसको, इसको इस पर ध्यान दो आप लोग इस पर ये वाई नंबर पर देखो दो में दो को प्लस करूँगी तो चार आ जाएगा चार को दो प्लस करूँगी तो आठ आ जाएगा सॉरी छः आ जाएगा और छः में दो प्लस करूँगी दो प्लस करूँगी तो आ जाएगा आठ और आठ में दो प्लस करूँगी तो मिल जाएगा दस तो ये सब जो दो दो प्लस हो रहे हैं ये सेम है ऐसा थोड़ी ना कि मैं दो के बाद तीन कर लूँगी दो के बाद फिर चार कर लूँगी प्लस कर लूंगी, तो आठ नौ दस ग्यारह बारह आ जाएगा तो अगर ऐसा होता है अगर ऐसा नंबर हुआ एक सेकेंड अगर ऐसा नंबर हुआ कि समझ लो टू फोर सिक्स ठीक है अच्छे से चल रहा है मामला सब कुछ लेकिन अचानक से आ गया नाइन अब लिखा हुआ है एक सेकेंड अब लिखा हुआ है कि चलो बताओ कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है अब देखो इसमें तो हम लोगों को दिख लिया देख लिए हम लोगों ने देखो कि के, के, टू और फोर में दो हैं और फोर और सिक्स में भी दो हैं लेकिन अगर आ, फोर सिक्स और नाइन की बात करें तो तीन आ जा रहा है मतलब तीन आ, डिफरेंस आ जा रहा है ना इसका तो मतलब ये कांस्टेंट नहीं है मतलब टू टू और थ्री सेम नंबर्स है नहीं ना टू टू और टू सेम नंबर्स होते हैं तो इसलिए ये प्रोग प्रोग्रेशन नहीं है अच्छी से तो और समझाती हूँ मैं रुको जरा सबर करो ओके okay. ठीक है देखो अब देखो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि डी कैसे निकालते हैं डी डी मतलब डिफरेंस 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 होता है डी ठीक है ठीक है तो डी क्या होता है डिफरेंस होता है तो देखो यहाँ पर अब क्या मैंने लिखा है यहाँ पर दे आर रिपीटिंग ऑफ अ डेफिनेट इंटरवल डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज टू अब तो ये पता चल गया मेरे को टू है अब देखो कैसे अब आपको समझ में आ गया ना कि हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं हाउ टू फाइंड एरिथमेटिक नंबर इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन और नॉट देखो यहाँ पर पास नंबर है थ्री सिक्स नाइन टवेल्व ठीक है अब यहाँ पर आप लोग देखोगे आपने को डी निकालना है डी डी चलो अब अभी तो आप लोगों को ऐसा कि हाँ डी तो थ्री है डिफरेंस थ्री है का लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से आप कैसे निकालोगे मैंने आप लोगों को बताया था ना ए होता है एक चीज़ एक होती है टी वन होता है टी टू होता है देखो मैंने आप लोगों को ये वाली साइड में बताया था ना ये सब देखो सब लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो सबको बहुत अच्छा चलेगा इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से तो ए मैंने आप लोगों को बताया था और टी वन टी टू भी बताया था कि क्या होता है अब मैं बताने जा रही हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना वरना ये वाला लेक्चर वेस्ट जाएगा आप लोगों के लिए लेक्चर जीरो को लेक्चर जीरो कोई को काम कर ही रहेगा अगर आपने नहीं अच्छे से ठीक है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात तो अभी हम लोग देखते हैं कि ए वन ए क्या होता है और टी वन टी टू क्या होता है तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है द the... ओके okay, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्या यहाँ पर देखो हाँ मैंने यहाँ पर लिखा है शायद से नहीं लिखा मैंने नहीं मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कोई okay, बात नहीं थी, ठीक है यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ देखो ए जो ए मैंने आप लोगों को बताया था ना ए इज द फर्स्ट टर्म अब फर्स्ट टर्म मतलब क्या फर्स्ट टर्म मतलब देखो ये तीन नंबर है मतलब और भी बहुत सारे रिपीट होते रहेंगे बट वो लाइक like, वो तो अनलिमिटेड है ना यार कोई नंबर आपको दिखेगा चलो भाई सौ के बाद नंबर खत्म हो जाते हैं ऐसा है सौ तो के बाद वन वन भी तो आता है उसके बाद भी तो आते हैं ना नंबर इन है राइट तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है <coughs> इन सब में से हम लोगों को चीज दिया हुआ है हम लोगों को हालांकि लास्ट नंबर नहीं पता इसका कितना हो सकता है लास्ट नंबर मतलब ये देखो लास्ट नंबर नहीं पता हम लोगों को कितना हो सकता है बट हम लोगों को फर्स्ट नंबर पता है इसका है थ्री इस गिवेन नंबर सिक्वेंस का एक सिक्वेंस है ना कुछ नंबर्स को देखो सीक्वेंस का मतलब ये बता दूँ क्या बता दूँ क्या बताओ दू, देखो कोई नंबर्स लाइन में खड़े हुए देखो थ्री एट फाइव जो भी चीज़ है लेकिन वो एक लाइन में आ रहे हैं लाइन मतलब एक सीधे से लिखे हुए नंबर्स तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ठीक है sequence, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस फाइन ठीक है sequence, तो इज़ द फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है डी को कैसे फाइंड कर देखो तो ए मैंने आप लोगों को बता दिया ए इज द फर्स्ट टर्म ठीक है अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो इज इक्वल्स टू क्या ए इज इक्वल्स टू सी एक और एक बार बतानी थी मैंने आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि टी वन टी टू टी थ्री क्या होता है है ना तो देखो टी वन पता क्या होता है ए होता है सिंपल एकदम मस्त एकदम हल्वी लैंग्वेज बता दिया टी वन ए होता है ए क्या होता है मैडम <laughs> ए क्या होता है ए क्या होता है मैम ए क्या होता है फिर ए क्या होता है ए फर्स्ट टर्म है ना तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी बोलना है बोलो टी वन क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है ए की वैल्यू मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ उसको लिख लेना प्लीज़ ए होता है टी वन और टी वन ही होता है आपका फर्स्ट टर्म ठीक है ये होता है आपका फर्स्ट टर्म सी डी बना दी मैंने ठीक है तो ए क्या होता है टी होता है ए होता है ए होता है आपका टी वन ना? वन वन टी वन टी याद मत रखना टी वन ए होता है टी वन और टी वन ही क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म मतलब ये कोई भी नंबर का पहला नंबर क्या है थ्री तो थ्री हो गया आपका टी वन और यही हो गया आपका ए भी हो गया अच्छे समझ में आ गया ना वेरी गुड ठीक है टी वन समझ में आ गया टिट्टू क्या, <laughs> <Okay. laughs> okay, क्या, क्या होता है टिट्टू बेटे टिट्टू बेटे ओके ओके टिट्टू क्या होता है टिट्टू टी पता बता क्या होता है टी टू ये होता है देखो मैंने टी वन को ऐसे कर दिया मैं देखो टी वन को मैंने क्या बताया मैं आपको ऐसे बताया ना ये देखो वन नंबर है ये फर्स्ट है इन सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर आया है टी मतलब टी टू मतलब सिक्स हो गया सिक्स कैसे हो गया क्योंकि सेकेंड है टी टू मतलब सेकेंड टर्म जो टी है ना ये टी जो दिख रहा है ना आप सोच रहे भाई कुछ कुछ ये भी सोच रहे होंगे कुछ बच्चों का ख्याल ये भी आ रहा होगा कि टी टी होता क्या है तो इन टी देखो टी क्या होता है टी है टर्म टर्म ठीक है तो टर्म तो टी वन और टी टू मतलब टर्म टू टर्म इन सीक्वेंस है टर्म टू कौन सा है तो टर्म टू कौन सा है तो टू है सिक्स तो यहाँ पर टी टू की वैल्यू क्या जाएगी? आ जाएगी सिक्स आ जाएगी और अगर मेरे को वैल्यू लिखने का है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टी आपको समझ में आ गया ना टी वन क्या होता है टी वन होता है ए तो यहाँ पर थ्री है राइट तो यहाँ पर लिख दिया मैंने थ्री टी टू की वैल्यू कितनी आई है टी टू की वैल्यू आई है सिक्स अब टी थ्री अब तो टी थ्री आप खुद ही बता सकते हो थ्री बताओ जल्दी कॉमेंट करो कॉमेंट करो फाट फाइव फर्ट फाइव फर्ट फाइव देखो फाइव फोर थ्री टू वन जीरो के टाइम ऑफ हो गया ना वेरी गुड तो ये है टी थ्री तो ये है टी थ्री देखो ना ये देखो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म क्या है टी थ्री टी थ्री कितना आया अपना आया नाइन तो ये आ गया अपना नाइन ठीक है तो ये अपने को समझ में आ गया तो भाई क्वेश्चन आपको अभी हटा देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं एक बहुत ही बड़ा वाला स्माइल ठीक है वाह ठीक है तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को वेरी गुड तो ओके okay, तो लर्निंग ना आप लोगों को अच्छे से हंसी मजाक से आ, पढ़ाई को लाइक मैथ्स को बिल्कुल भी बोझ मत बनाना ठीक है मस मस फन तरीके से पढ़ोगे ना तो मज़ा भी आएगा समझ में भी आएगा अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई मैथ्स अच्छा है हार्ड नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट का कीड़ा जो होता है कॉन्सेप्ट अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना मतलब पूरा चैप्टर आप लोग क्या कर दोगे फोर्ड क्या दोगे दो, मतलब हंड्रेड परसेंट मार्क्स लाओगे अगर आप लोग ने अच्छे मन लगा कर पढ़ा तो ठीक है तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है बताओ जल्दी जल्दी हम लोगों को डी क्या होता है जैसे डिफाइन नहीं करना आया तो मैं अभी भी अभी नहीं करती इसको हम लोगों ने देखा है अभी तक ए क्या होता है तो मैंने ए बताया था ना यार प्लीज़ याद देना अभी तक याद देना तो ए होता है टी वन और टी वन होता है फर्स्ट टर्म तो बड़े से अच्छे से लिख देती हूँ फर्स्ट टर्म अरे हाँ पे लोगों को कॉलेज चीज़ भी बोलनी थी कि प्लीज़ यार मेरे राइटिंग को इग्नोर करना ठीक है हैंड राइटिंग को क्योंकि तो स्क्रीन पर ना हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है ठीक है तो प्लीज़ इग्नोर करना और हाँ मैं अच्छे से लिखना से तो लिख सकती हूँ मतलब बहुत अच्छे से मस्त वाली हैंड राइटिंग में जैसे देखो सब्सक्राइब लिखती दी रुको सब्सक्राइब ऐसे लिख रही हूँ करना है तो कर लेना देखो मैंने अच्छे से लिखा है ना यार फिर भी देखो देखो फिर भी अच्छे से लिखा है ना तो देखो मैं लिख सकती हूँ लेकिन जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है इसलिए मैं आप लोगों को लाइक जैसा भी हो प्लीज़ एडजस्ट यार ट्राई टू एडजस्ट क्योंकि फटाफट करना होता है ना इसलिए लोग टाइम वेस्ट नहीं करते तो ए क्या है टी वन टी वन क्या है फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बता बताया कि टी वन क्या होता है टी टू क्या होता है टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स टी सेवन भी क्या होता है वो ही होता है जैसे देखो कोई भी नंबर लिखा है इसे एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू और uh, फिर थर्टीज जो भी हो रहा है तो इसमें से सब नंबर क्या है ये टी वन हो जाएगा ये टी टू हो जाएगा ये टी थ्री हो जाएगा ये टी फोर हो जाएगा ये टी फाइव हो जाएगा ऑन एंड ऑन टी सिक्स बोल जाएगा ना तो टी सिक्स बोल देना कि उसके आगे वाला कितना है अगर ये एरेथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इन सब का डिफरेंस हो जाएगा एट क्योंकि एट एट में आ रहा है सिक्सटीन है ठीक है तो ये एट एट में आ रहे तो थर्टी सिक्स थर्टी वन थर्टी थर्ट फोर्टी फोर्टी वन फर्टी टू फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी फोर आ जाएगा ठीक है समझ गए ना वेरी गुड ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ओके उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ओके तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर यहाँ तक पढ़ा है हम लोगों ने ये फ़ाइन कर लिया है तो हम लोगों ने यहाँ पर ये फ़ाइन कर लिया है ये भी फ़ाइन कर लिया है ओके उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले है? हैं देखते हैं ठीक है व्हाट इज डी डी भी देख लेना यार हम लोगों ने डी क्या है डी तो डिफरेंस है ना वो हाउ टू फाइंड डिफरेंस और वाट इज़ डी तो डी क्या होता है डिफरेंस होता है तो मैं इससे चाहिए ना कर दूँ ऐसा डिफरेंस होता है ठीक है वॉट इज डी इट इज़ अ डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ए नंबर सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ठीक है अ सेट ऑफ नंबर्स वे द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर सेट मतलब सेट मतलब जैसे देखो मैंने यहाँ पर नंबर अरेंज किए हुए हैं जैसे मैंने यहाँ पर नंबर अरेंज किए हुए हैं टू टू फोर एट नाइन इलेवेन फोर्टीन ये कुछ भी नंबर है लेकिन ये एक अरेंज हुए हैं एक सेट में मतलब इकट्ठे साथ में है तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एस सीक्वेंस ठीक है समझ गया ना अभी सी, अज, अ, सीक्वेंस क्या बोलते हैं दूसरी तीसरी बार समझा रही हूँ मैं ये सीक्वेंस का मतलब क्या होता है ठीक है समझ गया ना अभी ओके तो अब देखते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड डिफरेंस डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने देरी क्यों की क्योंकि उसके लिए आप लोगों को टी वन टी टू फाइन करना इंपॉर्टेंट था तो वो बहुत ईजी था देखो टी डी फाइंड करने के लिए तो क्या करना होता है टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू और टी फोर माइनस कहाँ चली गई टी फोर माइनस टी थ्री ठीक है तो ये होता है अब क्या है भाई ये क्या है ये क्या कर दिया अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को एक नंबर देती हूँ मैं अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब आप आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या ये जो नंबर्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ठीक है और अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंस मतलब डी ठीक है अब देखो मैंने आपको एक नंबर दिया ठीक है जैसे देखो यहाँ पर मैं देती हूँ आप लोगों को अच्छा सा एग्जांपल दूँ छोड़ो ये दे देती हूँ टू नहीं यार कुछ अच्छा देना है मुझे क्या दूँ कह कह क्या, दू, क्या, दू, क्या, दू, क्या दू, देखो फोर एट सिक्स और डॉट 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 मतलब ऑन एंड ऑन अब देखो अब आप लोगों को बताने का है कि क्या ये एल्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ओके तो देखो पहले आप लोग लिखोगे टी वन आंसर बता रही हूँ आप लोगों को सोल्यूशन कैसे लिखते हो वो बता रही हूँ ठीक है देखो T1 वन लिखोगे सबसे पहले आप लोग फोर क्योंकि फर्स्ट टर्म फोर है T2 टू लिख दोगे आप लोग उसके बाद वो है एट और T3 भी लिख दोगे आप लोग वो है ट्वेल्व और फिर लिख दोगे बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई आज तो इतनी गर्मी होती है ना ओके ओके तो अब देखो ये है हम लोगों को डिफाइन करना है ठीक है जो होशियार बच्चे रहेंगे उनको तो देखकर कर पता चल जाएगा कि हाँ फोर के टेबल आ रहे हैं फोर मतलब फोर फोर डूबाइफ फोर ट्वेल्व फोर सिक्सटीन तो उन होशारा बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ ये तो डिफरेंस फोर है लेकिन अगर पता करने का है चलो देखते हैं तो क्या करोगे आप लोग डी इज़ इक्वल्स टू देखो डी या तो ज़रूरी नहीं है देखो टी टू माइनस टी वन करना है आपको टी टू माइनस टी वन बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होता है ना हमेशा तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करोगे टी टू माइनस टी वन तो क्या हो जाएगा एट माइनस फोर इज इक्वल्स टू फोर आया ठीक है अब देखते हैं अब देखते हैं उसके बाद क्या करोगे देखो पहले हम लोगों ने क्या किया पहले हमने लोगों ने टी टू माइनस टी वन किया था अब हम लोग करेंगे टी थ्री माइनस टी टू तो क्या हो जाएगा ये अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी थ्री माइनस टी टू तो ये क्या हो जाएगा ट माइनस एट जो होता है फोर और उसके बाद देखो अब उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे थ्री क्यों लिखा मैंने वापस से यहाँ पर टी फोर ओके तो टी फोर क्या हो जाएगा टी फोर हो जाएगा टी फोर माइनस टी थ्री ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे टी फोर माइनस टी थ्री इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू फोर अब आप लोगों ने देखा एक चीज आप लोगों ने ध्यान लगा कर देखी है कि इनमें से हर एक का माइनस करके जो आंसर जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है फोर इसलिए द गिवन सेट ऑफ सीक्वेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी बिकॉज और फिर क्या क्वेश्चन में क्या नाम मैं क्या कहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस सो द कॉमन डिफरेंस सो द कॉमन डिफरेंस इज वॉट इज इट्स फोर राइट सो वॉट यूल राइट यूल राइट लाइक देखो द फॉलोइंग सीक्वेंस फोर ए ट्वेल्व सिक्सटीन आर ए पी द कॉमन डिफरेंस इज फोर सिंपल तो मैंने आप लोगों को डी फाइन करना भी बता दिया डी तो डी इज इक्वल्स टू फोर ठीक है तो ठीक है हम लोगों ने ये भी फाइंड कर लिया है अच्छे तरीके से तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी चीज जो है वो कंप्लीट कर ली है क्या कंप्लीट कर लिया है हाउ टू फाइंड द डिफरेंस व्हाट इज दिस व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेस प्रोग्रेशन ठीक है यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझ लिया क्या क्या करने का है फॉर्मूले नहीं देखे अभी तक फॉर्मूले नहीं देखे हैं क्या करेंगे क्या करेंगे कैसे फॉर्मूले देखेंगे चलो चलते हैं फॉर्मूले की तरफ ठीक है तो देखते हैं अभी फॉर्मूले मुझे बहुत पसंद है आपको पसंद है फॉर्मूले तो इस चैप्टर में थ्री फॉर्मूलेज है थ्री फर्स्ट फॉर्मूला है बहुत इजी जिसमें आप लोगों को फाइंड करना होता है टी एन अरे भाई एन क्या होता है टी एन तो आपने बताया नहीं टी एन तो रही हूं। देखो टी एन होता है एंथ टर्म एंथ टर्म एंथ टर्म।, टर्म क्या होता है अभी तो वो ना आप लोग सम में देखना ठीक है सम में देखना प्लीज़ क्योंकि ना वो सब में जब आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा तो प्रैक्टिस वन पॉइंट थ्री पॉइंट वन में दिख जाएगा वो सब तो एकदम ईजी है हलवी है एंथ टर्म मतलब आप लोगों को ना जैसे दिया हुआ होगा टू फोर सिक्स एट ठीक है और फिर आप लोगों को बोला होगा फाइंड द ट्वेंटी फोर्थ टर्म मतलब कोई भी टर्म हो जाएगा ट्वेंटी एट नाइनटीन सेवन जो भी हो जाएगा फाइंड द ट्वेंटी फोर्थ टर्म ठीक है तो आप लोग एक फार्मूला लगाओगे इस पे फाइन इसे फाइन करने के लिए तो वो फॉर्मूला क्या होगा टी एन मैं अच्छे से लिख देती हूँ तो फार्मूला क्या होगा फर्स्ट फार्मूला होगा टी एन इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी तो ये है फर्स्ट फॉमूला ठीक है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी ठीक है 1, D, और एक और एक बात ये मैंने अगर आपको नहीं बोला तो आप आंसर में पक्का रॉन्ग कर जाओगे मतलब पक्का ही रॉन्ग करोगे वो तो कुछ होंगे होशियार बच्चे जो नहीं करेंगे लेकिन नहीं नहीं सभी होशियार है ऐसा मत सोचो भाई सब होशियार है लेकिन ना ये ना मैंने भी एक बार गलती करी थी है एक बार मैंने अपने टाइम पे और तो गलती कर दी थी मैंने कि अरे मेरा आंसर रॉन्ग कैसा है मैंने तो अच्छा फॉर्मूला लगाते तो ये वो पता है क्या किया था मैंने मैंने ए ना ए की जगह समझ लो टू है ठीक है प्लस एन माइनस वन समझ लो था थ्री इंटू डी मैंने पता क्या किया इनटू डी मतलब डी समझ लो था हम लोगों का सेवन मैंने क्या किया था मैंने इन दोनों को पहले प्लस कर दिया फ़ाइव इंटू सेवन कर डाला लेकिन ना ये गलत था आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं ये गलत कैसे हो सकता है लेकिन टू प्लस थ्री इंटू सेवन और से थ्री इंटू सेवन प्लस टू तो सेम नहीं है यार सेम नहीं है प्लीज़ हाँ वैसे सब सेम नहीं है आप लोग को पता होगा लेकिन देखो क्या ना ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे से आदत तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुन लो प्लीज़ अच्छे से आपको कभी भी ऐसा आया ना तो आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है देखो इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करने का है फिर फिर जाके आप लोगों को प्लस करना है ठीक है मैं वापस बता देती हूँ इन दोनों को इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसके साथ जाकर प्लस करोगे ठीक है समझ गए ना वेरी गुड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ ओके okay? मुझे वापस आई मानी पड़ेगी एन प्लस चलो बताओ यहाँ पर क्या था वो लोग फिल्म अब लेंस की तरफ आ सकते है वाला क्वेश्चन बताओ चलो, चलो क्या था यहाँ पर अगर ध्यान सुना होगा तो वेरी गुड ए इसको याद कर लो अब बी के अब याद कर लो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी हो गया फाइन मतलब हो गया अब देखो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा एस एन एस एन वाला जो समय वो आएगा थ्री पॉइंट टू में थ्री पॉइंट टू में आएगा इसका तो क्या रहेगा एस एन मतलब ना सम सम एस एन का मतलब होता है एस एन इज इक्वल टू समर्म समर्म तो वो आप लोगों को मैं बता दूंगी तो फॉर्मूला पहले सीख लेना फॉर्मूला है इसका एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू फिर फिर क्या था हाँ प्लस टू ए टू ए फिर टू ए के बाद है इन टू नहीं प्लस एन अपॉन टू फिर टू एक सेकेंड टू ए प्लस एन माइनस वन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या तो इन टू डी न लिखते हो या तो इससे अच्छा डी भी लिख सकते हो ठीक है और इस तरीके से ठीक है तो ये आपका एक फॉर्मूला है एन अपॉइंट टू प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था ये बात कि देखो ये वाला आ, इन में ना ये स्टेप्स ये वाले स्टेप और ये वाले स्टेप जो है वो सेम है है ना सेम है ना देखो ये देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है चेंज क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ए के साथ टू आ जा रहा है टू मल्टीप्लाई हो रहा है और एन अपॉन टू हो रहा है एन अपॉन टू प्लस टू ए हो रहा है ये बस ये चीज़ प्लस हो रही है ये चीज़ मॉडिफाई हुई हुई है और ये सेम है ठीक है तो था ना इतना सिंपल ठीक है तो यहाँ पर ये आपका आ, सेकेंड वाला है फॉर्मूला है ओके और थर्ड वाला फार्मूला क्या है थर्ड वाला फार्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू देखो ये फॉर्मूला है कब होता है यूज़ देखो एन अपॉन टू फिर आता है टी वन प्लस टी एन ये एक फार्मूला है ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब भी हम लोग के पास टी ए और टी एन पता होता है तब लेकिन ज़्यादातर ये फॉमूला को यूज़ नहीं होता है तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते वाले फॉमूले को ज़्यादातर ये नहीं फाइंड रहता है हम ज़्यादातर ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसे इनका मेन फार्मूला जो है ये ये है ठीक है तो लेकिन याद तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे ना अगर आ गया तो वैसे अगर आपके पास टी वन टी एन है तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करो आप लोग ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो ठीक है तो ये वाला मैंने थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पर ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब हर एक एक चीज़ ऑलमोस्ट सब चीज़ इस चैप्टर की हम लोगों ने पढ़ ली है क्या क्या है इस चैप्टर में ठीक है हम लोग ने देख लिया कि एरेथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सीक्वेंस क्या होता है डी क्या होता है डिफरेंस कैसे निकालते हैं ए क्या होता है ए फर्स्ट टर्म होता है टी वन टी टू मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और मैंने फॉर्मूले भी देख लिए सारे ठीक है तो अब मैं आप लोगों से यहाँ पर देखो यहाँ पर आप लोग उसका स्क्रीन ले सकते हो इसका एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इस कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब सेम पहले बता दिया था फिर फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस टू फोर एट इसका टी वन कितना है टू है टी टू कितना फोर है टी थ्री है. कितना सिक्स है? है और टू फोर टी फोर है एट तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे टी टू माइनस टी वन होगा फिर टी थ्री माइनस टी टू होगा और टी फोर माइनस टी थ्री हो जाएगा तो इसमें हम लोग जब डिफरेंस निकाल रहे थे हम लोग जब इसमें डिफरेंस निकाल रहे थे तो इन सब का जो वैल्यू आई थी वो टू 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 ही आई थी मतलब जो डिफरेंस आया था वो सेम आया था इसलिए मतलब ये कॉन्स्टेंट और सेम है मतलब इसका जो डिफरेंस है वो सेम आया है इस वजह से द सीक्वेंस ऑफ द टू फोर सिक्स एट आर ए पी अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए समझ लो कैसा भी नंबर है एक नंबर आ, आ, आ गया आपके अगर सवाल अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में ऐसा नंबर आ जाता है अगर एग्ज़ाम में सपोज़ ऐसा नंबर आ गया ठीक है सपोज़ नंबर आ गया है ऐसा के सेवन फोटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री तो आप लोग पहले लिखोगे कैसा लिखोगे मैं अब आपसे पूछती हूँ मैं आपसे पूछती हूँ आपसे कि आप, आप, आप लोग बताओ आर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ए पी एंड ए पी तो कैसे निकालोगे सबसे पहले आप लोग लिख दोगे सबसे पहले आप लोग लिख दोगे के एयर टी वन इज इक्वल्स टू सेवन टी टू इज इक्वल्स टू फोटीन टी थ्री इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी वन और टी फोर इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री फिर आप लोग लिखोगे डी को कैसे फाइंड करते मैंने आपको बताया था टी टू माइनस टी वन करोगे तो टी टू माइनस टी वन कितना है फ़ोटीन माइनस सेवन करोगे तो वो आ जाएगा हम लोगों का सेवन आ जाएगा तो ए फर्स्ट डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं अगर इन सब का डिफरेंस अगर सेवन ही निकलता है तो ही ये ए पी माना जाएगा तो फिर उसके बाद क्या था मैंने आप लोगों को बताया था टी थ्री माइनस टी टू करोगे तो टी थ्री कितना है हम लोगों के पास टी थ्री है ट्वेंटी वन राइट तो ट्वेंटी वन इजिक्वल्स टू ट्वेंटी वन माइनस फोटीन हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा सेवन माइनस कर रहे हैं सिर्फ और फिर उसके बाद क्या है टी फोर माइनस टी टू टी थ्री कर रहे हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा टी फोर कितना है ट्वेंटी थ्री है तो ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी वन तो ये कितना 2 आया टू आया तो क्या आप लोग बताओ ये सब में अच्छा खासा जा रहा था कि हाँ भाई हम लोगों का डिफ्रेंस हम लोगों को मस्त वाला मिल रहा था कि इसका सेवन है इसका सेवन है लेकिन ये जो है ना इसका क्या आ गया ये क्या आ गया टू आ गया ये टू आ गया इस वजह से ये द फॉलोइंग नंबर द फॉलोइंग सीक्वेंस द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर आर नॉट ए पी ठीक है ये ए पी नहीं है अब क्यों लिखोगे क्यों ए पी नहीं है अगर ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि अगर ए पी है तो क्यों है और अभी है नहीं है तो क्यों नहीं है बिकॉज बिकॉज द डी इज नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है तो आप लोगों को बस ये लिख देने का है कि हाँ इस, इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसमें जो d है d जो है वो कांस्टेंट नहीं है ठीक है तो सेवन सेवन और टू आ गया सीधा ठीक है तो इस वजह से ये जो नंबर है ये कांस्टेंट नहीं है अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि टी वन का टी टू कैसे यूज़ करते हैं और फिर अगर आपसे फिर सवाल में पूछ जाता है कि समझ लो मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है टू फोर सिक्स एट टेन टूल्व और मैंने यहाँ पर ऑन एंड ऑन लिख दिया और मैंने आप लोगों को ये कहा है मैंने सब में लिखा है कि दीज नंबर्स आर ए पी फाइंड आउट द नाइन्टीथ टर्म नाइनटीथ टर्म अब आप लोग थोड़ी ना ऐसे करोगे कि ये फर्स्ट टर्म हो गया सेकेंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो आप लोग टू टू प्लस टू करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे फिर नाइनटीन्थ टर्म पे जाओगे तो मैथमेटिक्स क्या इजी करने के लिए है ना तो ईजी करने के लिए तो हम लोग करेंगे तो फिर ये तो फिर जो मैंने आप लोगों को कहा है ना कि हम लोगों को अगर टी एन में से हम लोगों को अगर नाइन्टी टर्म फाइंड करना है तो कैसे करेंगे तो वही वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा कौन से वाले में इसमें ये at जो मैंने फॉर्मूले बताए थे फॉमूले का भाग गए ये वाला जो मैंने आप लोगों को अरे ये वाले फॉर्मूले बताए थे ये सब यही सब यूज़ होगा तो टी एन के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ए जिसमें ए क्या होता है ए होता है T1 होता है ठीक है और n क्या होता है nth टर्म होता है एक टर्म होता है एंड क्या बताता है एक चीज़ की पोजीशन बताते हैं पोजीशन ठीक है तो यह पे मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करना चाहती हूँ अभी क्योंकि हम लोगों ने आज जो है हम लोग का बेसिक लेक्चर बहुत ही मस्त वाला गया है सब कुछ अच्छे समझ में आ गई है एरथमेटिक प्रोग्रेशन अभी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चैप्टर मन बन जाएगा बन जाना चाहिए तो सबसे ज़्यादा क्या बन जाना चाहिए ईजिएस्ट चैप्टर बन जाना चाहिए आप लोगों के लिए क्योंकि ये एथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोगों ने हर एक एक चीज़ बहुत डीप में जाकर समझी है वीडियो लंबी बन गई आई नो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देन आई होप आप लोगों को बाय द वे ये वाला चैप्टर ईजी लग गया होगा अभी प्लीज़ घर पे आकर मतलब घर पे आकर क्या घर पे तो होंगे तो, आप तो प्लीज़ आप लोग अपना जो फॉर्मूलेज जो मैंने आप लोगों को दिए हैं जो टेक्स्ट बुक पे भी लिखे हुए हैं वो अपना अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना क्योंकि अगर बाय हार्ट नहीं करोगे तो फिर आंसर्स भी याद नहीं और सॉरी मतलब आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि घर पे तो आप चाहें आप पूरे फार्मूले देख लोगे अच्छी तरीके से लेकिन आप लोग उसको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे है ना तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को स्लाइड दिखा रही हूँ आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और येस मैं आपको एक और एक चीज़ बताना था कि एम में ज़्यादातर ये आता है सवाल कि द डिफरेंस डिफरेंस जो हम लोग फाइंड करते हैं ना तो ये बात जानते सुनना जब भी हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं तो ये लास्ट का मैं बस लाइन बोल देती हूँ डिफरेंस जब भी हम लोग फाइंड करते हैं ना तो जो डिफरेंस वो नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है और और जीरो भी आ सकता है ठीक है मैंने शायद से बता दिया ना एक सेकेंड मुझे पता नहीं है बता दिया था क्या मैंने ये चीज़ ओके ओके तो आ, डिफरेंस क्या आ सकता है नेगेटिव आ सकता है वो नेगेटिव आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है और ज़ीरो आ सकता है तो ये सब आ सकता है डिफरेंस के लिए डी तो ये एम सी में ज़्यादातर पूछा जाता है ओके तो बाय बाय टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डेड सब्सक्राइब कर देना चैनल को ओके